पर मिर्जापुर से ऑपरेशन कवच योजना अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समिति के साथ पुलिस महानिरीक्षक ने की गोष्ठी। सीमा पर से 7 थाना क्षेत्र के 196 ग्रामों के ग्राम सुरक्षा समिति के साथ गोष्ठी की गई। बता दें महाराजगंज जनपद के कोलई थाना क्षेत्र में स्थित एक रिजॉर्ट में सीओ कोमल प्रसाद मिश्र व थाना अध्यक्ष महेंद्र यादव के नेतृत्व में ऑपरेशन कवच योजना अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित 7 थाना क्षेत्र के 196 ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समिति के साथ गोष्ठी की गई। इसमें मुख्य अतिथि रहे आईजी जे रविंदर गौड़ व विशिष्ट अतिथि रहे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ एवं एसएसबी कमांडेंट वरुण कुमार व एसएसपी अतीश सिंह। ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों व त्रिनेत्र यानी सीसीटीवी लगवाने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना अध्यक्ष महेंद्र यादव को सम्मानित किया गया। साथ ही समस्त चौकीदारों को अंगवस्त्र वितरण किया गया। इस मौके पर पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। वहीं पुलिस महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़ ने बताया कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सबकी है। किसी प्रकार के अवैध कार्य हो रहे हैं या कोई व्यक्ति संदिग्ध दिख रहा हो तो आप सब पुलिस और एसएसबी को सूचना दे सकते हैं। आप सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस तत्परता से लगी हुई है। किसी प्रकार की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से आशीष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ऑपरेशन कवच के अंतर्गत आज जो नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के जितने भी ग्राम हैं वहाँ से जो हमारे सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हुआ है आज, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और एसएसबी के सारे अधिकारी इसमें भाग लिए थे। आम जनता के साथ ये एक इंटरेक्शन हुआ है, वार्ता किया गया कि कैसे एक दूसरे के सहयोग करें और तस्करी इत्यादि चीज़ों को लेकर जो इंट कलेक्शन होता है उसमें जनता के सहयोग के लिए भी हम लोगों ने उनको आह्वान किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने इसको सराहना किया है और आगे पूरे समर्थन देंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छी तरह से करेंगे, इसका ये निर्णय हुआ है। तस्करी के रोकथाम के लिए देखिए, तस्करी के रोकथाम हेतु हम लोगों के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम लोग तत्काल कार्रवाई करके उसको रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए हम आम जनता से भी आह्वान किया कि वो लोग भी हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें।